राजधानी जयपुर में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहे हैं। वहीं जयपुर कमिश्नरेट स्थिति अभय कमांड सेंटर के माध्यम से जयपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर बनाए हुए हैं। अभय कमांड ने जयपुर शहर में करीब 700 कैमरे लगाए हैं। इन कैमरों की मदद से पुलिसकर्मी एक स्थान पर बैठे बैठे पूरे जयपुर शहर में नजरें बनाए हुए हैं। इन कैमरे में से सबसे अधिक जयपुर के नॉर्थ इलाके में लगे हैं। नॉर्थ इलाके में रामगंज, सुभाष चौक, गलता गेट, गंगापुर सहित ऐसे कई अन्य इलाके हैं जो संवेदनशील माने जाते हैं। राजधानी जयपुर में इस वक्त शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमारी जयपुर पुलिस अलर्ट है। इस वक्त मैं अभय कमांड सेंटर में हूँ, जहाँ पर तस्वीरों में ये तमाम जो कैमरे हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहर के चप्पे चप्पे इलाके में ये कैमरे तैनात है, और कैमरे के जरिए यहाँ से बैठे बैठे जो पुलिसकर्मी हैं वो लगातार इन इलाकों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अपने जो आला अधिकारी है, जो पैंथर 2 है यानी कि अजयपाल लांबा जो इनके अधिकारी है, उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं, और तमाम ACP DCP और तमाम SSA ये लोग संपर्क कर रहे हैं। बूथ पर विशेष नजर रखी जा रही है, और मैं आपको बता दूं कि करीब 700 कैमरे पूरे जयपुर शहर में लगे हैं। विशेष तौर पर जो जयपुर शहर का उत्तर यानी कि नॉर्थ इलाका है, वहां पर ये फोकस किया जाए क्योंकि वहां पर ही सबसे ज्यादा संवेदनशील इलाके हैं। किस तरह से ये अभय कमांड सेंटर के कैमरे काम कर रहे हैं, किस तरह से इसकी पूरी डिटेल्स है, हम यहाँ के जो महिला अधिकारी है, महिला जो कर्मचारी है, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम, किस तरह से आपको निर्देश मिले और किस तरह से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं? हमें आदेश मिले कि इन जो पोलिंग बूथ हैं उन पर निगाह रखें और कोई भी अपराधी कोई ऐसी घटना नहीं घटे, और जो मतदान हैं जो शांति से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो भी कोई संदिग्ध हमें कुछ लगता है तो हम अपने उच्च अधिकारी को सूचना दें। मैडम, कैमरे की बात करें तो कितने कैमरे हैं और किस तरह से आपको टास्क मिला है और किस तरह से आप फ़ोन कॉल के जरिए इनसे संपर्क में रहते हैं अधिकारियों से? 733 जो ये लगे हुए हैं कैमरे, इनके जहाँ जहाँ बूथ हमारे नज़र में हैं उन पर पूरी निगाह रखें, चौकस रखें, और टास्क मिला है मतलब कोई भी ऐसे घटना नहीं घटनी चाहिए, घटना घटने की संभावना उससे पहले हम अपने अधिकारी को सूचित करें। बिल्कुल, ये थे महिला कर्मचारी जो बता रहे थे कि किस तरह से चप्पे चप्पे पर नजर है, और कोई भी ऐसी कोई छोटी सी भी छुटपुट घटना होती है तो इसकी जो संपर्क है वो तमाम आले अधिकारियों से करते। और भी कर्मचारी है यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, हमारे सहयोगी केदार शर्मा, वो तमाम जो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करे। ये व्यक्तियों के पास वायरलेस सेट है, और इसके अलावा इनके पास PC है। PC में करीब एक PC में 8-10 जो अलग अलग जगह की स्क्रीन है वो दिख रहा है, यानी कि अलग अलग जो एरिया है वो यहाँ पर दिख रहा है, और इसके जरिए ये लगातार जो अपने आला अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, और यही वो कारण है जिसकी वजह शहर में अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं। सर, आपका क्या नाम है और किस तरह से आप अपना काम कर रहे हैं और किस तरह से ये हो रहा है? सर, मेरा नाम उमाशंकर है। और सर, जैसे हमें यहाँ कहीं भीड़ भाड़ लगती है तो हमें हमारे अधिकारी को बताते हैं, कहीं भीड़ हो रही हो या हमें कोई संदिग्ध एक्टिविटी लगती है तो हम जरिए वायरलेस से फ़ोन अधिकारी को बताते हैं। और सर, अभी तक तो शांति है जयपुर में। किस तरह कितने एरिया कवर कर रहे हैं शहर में, अमूमन कौन से एरिया पे फोकस है? जी सर, अभी सर जहाँ सर ज़्यादा भीड़ भाड़, जैसे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ है सर अभी फोकस। अभी सर मेरा ये है अपने गांधीनगर रेलवे स्टेशन है, यहाँ में सर देख रहा हूँ सर अभी तो। बिल्कुल, तमाम जो शहर है उसके ऐसा कोई सा कोना नहीं है जहाँ पर ये कैमरे नहीं हो। बिल्कुल अच्छी बात है ये कि डिजिटल के तौर पर, डिजिटल के माध्यम से पुलिस जो है वो पूरे जयपुर शहर के चप्पे चप्पे पर नज़र रखे। एक अच्छी बात है कि अब तक शांति, उम्मीद करनी चाहिए इसी तरह से शांति बने और एक शांतिपूर्ण तरीके से लोकतंत्र का महापर्व जो है वो बने। सहयोगी केदार शर्मा के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।